क्या आपको भी इरेगुलर पीरियड की दिक्कत है? पीरियड आपको 2 महीने 3 महीने या जब भी दवाई लेते हो तभी आता है? क्या आपको भी वहाँ पर प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीरियड के पहले ही पेट में और ब्रेस्ट में दर्द होना, मूड स्विंग होना, बहुत ज़्यादा वीकनेस होना, कब्ज हो जाना, ये सारी दिक्कतें है? हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, अनवांटेड हेयर आ रहे हैं चिन पे, चिक पे, अब्डोमेन पे, ब्रेस्ट पे, अनवांटेड हेयर हो रहे हो आपके? या फिर आप कितनी भी ट्राई कर लो वेट लॉस नहीं हो रहा है और वेट गेन होता जा रहा है, आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, यहाँ पर आप कितनी भी दवाइयाँ ले लेते हो, कुछ भी कर लेते हो लेकिन प्रेगनेंसी नहीं रुकती है, AMH हाई है वो लो नहीं हो रहा है, और शायद AMH ठीक भी हो जाए लेकिन अंडे की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं रहती कि जल्दी प्रेगनेंसी रुक जाए, तो यहाँ पर ये सारे सिम्टम जो हमने आपको आगे बताए वे सारे सिम्टम हैं PCOD के। तो PCOD के साथ जो लाइफ रहती है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाती है, यानी कि आपको फिजिकल और मेंटल दोनों सिम्टम बहुत ज़्यादा रहते हैं, और उसके साथ यदि आप प्रेगनेंसी प्लान करना चाहो तो और ज़्यादा वहाँ पर हार्डवर्क करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में बहुत ही ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि PCOD के हम कैसे बैलेंस करें, नेचुरली हम कैसे ठीक करें बिना दवाई के, उसके लिए क्या क्या हम टिप्स फॉलो करें, क्या डाइट चेंजेस करें, क्या एक्सरसाइज करें, तो वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको इरेगुलर पीरियड है, PCOD के पेशेंट है और प्रेगनेंसी भी जल्दी से कंसीव करनी हो तो क्या करना चाहिए, वहाँ पर आप कौन सा स्टेप फॉलो करें जिससे जल्दी से जल्दी हेल्दी प्रेगनेंसी रुक जाए, क्योंकि PCOD के पेशेंट में ये भी दिक्कत रहती है कि प्रेगनेंसी रुकने के बाद वहाँ पर मिस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहते हैं, तो इसी में हेल्दी प्रेगनेंसी रुकाना हमारा मेन एम रहता है। तो PCOD के साथ हेल्दी प्रेगनेंसी कैसे रुका इस बात की भी चर्चा करने वाले हैं, तो आखिर तक जुड़े रहेगा फ्रेंड। और हाँ, पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले कर लीजिए क्योंकि आप लोगों के लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि PCOD को हम बिना कोई मेडिसिन के कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि पहले से ही आपका पीरियड इरेगुलर है तो आपने कौन सी ट्रीटमेंट ली होगी, या तो आपको एंटी डायबिटिक ड्रग यानी कि इंसुलिन को ठीक करने के लिए आपको दे देंगे मेडिसिन, या फिर आपको ओसी पिल्स दी होगी, 21 डे की पिल देते हैं, वो खाते हैं तो पीरियड आ जाता है, 3 महीने का एक कोर्स रहा होगा, वो ट्रीटमेंट आपने ली होगी, या फिर आपको वहाँ पर ऐसी मेडिसिन देते होंगे हर 2-3 महीने में जिससे पीरियड आ जाता होगा, फिर 2-3 महीना निकाल दो, तो इस तरह की ट्रीटमेंट आपने ली होगी। और उसके साथ जो बाकी सारे सिम्टम हमने आगे बताए वो सिम्टम है वो बढ़ते ही जाते होंगे, यानी कि वेट बढ़ना, आपके अनवांटेड हेयर बढ़ना, मूड स्विंग बढ़ना, और बॉडी में एक्ने, बहुत ही ज़्यादा इम्बेलेंस क्रिएट हो जाता है। तो कितनी भी आप वहाँ पर हार्मोन थेरापी कर लो लेकिन जब तक अंदर से ठीक नहीं करोगे, अंदर से उसको निकालोगे नहीं, तब तक वो ठीक नहीं होने वाली है, तो उसके लिए क्या करें? तो यहाँ पर हम 3 स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं। यदि वो 3 स्टेप आप कंप्लीट करेंगे तो PCOD आपकी जो है, जो सारे सिम्टम है वो ठीक भी हो जाएंगे और वापस कभी आने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो उसमें से सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपकी फूड हैबिट। अब फूड हैबिट, डाइट, तो यहाँ पर भी PCOD डाइट प्लान, PCOD के लिए ये खा लो वो नहीं खाना है, ऐसे तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, लेकिन ये कोई वहाँ पे तरीका नहीं हुआ। डाइट प्लान आपको कोई नहीं बनाना है, बस थोड़ी सी हेल्दी हैबिट जो है वो आपको ऐड करनी है और कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आपको अवॉइड करनी है। डाइट में सिंपल 2 ही रूल है, जो प्रोसेस्ड फूड है उसको आप रिमूव कर दीजिए और जो हेल्दी घर का बना चीज़ है वो आप उसको अडॉप्ट करने की ट्राई कीजिए। और उसमें से भी देखो, जो खाना रहता है 2 मील मेन मील रहते हैं, उसमें क्या करना है, जो आपकी फुल प्लेट होती है उसमें से आधा पोर्शन आप सलाद को दे दो, यानी कि कुकुम्बर, कैरेट, केबेज, इस तरह से वेराइटी ऑफ सलाड आप रखिए, और 1/4 जो रहती है आपकी प्लेट का भाग उसके अंदर प्रोटीन होना चाहिए। यदि प्रोटीन नहीं होगा बॉडी में तो वहाँ पर आपके हार्मोन बैलेंस कभी नहीं रहेंगे, बॉडी को फंक्शन करने के लिए प्रोटीन चाहिए, तो 1/4 आपको प्रोटीन लेना है और 1/4 कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें आप प्रोटीन के लिए कुछ भी ले सकते हैं, अंडे की सब्जी ले सकते हैं, या फिर पनीर की सब्जी ले सकते हैं, या फिर आप अलग अलग तरह की दाल ले सकते हैं, रोटी अलग अलग फॉर्म में ले सकते हैं, कभी आपने ज्वार की रोटी ले ली, कभी बाजरे की रोटी ले ली, कभी गेहूं की रोटी ले ली, कभी मिलेट्स ले लिए, तो इस तरह से अलग अलग फॉर्म में डेली के बेस में जाता रहेगा, 2 दिन ये खाइए 2 दिन ये खाइए 2 दिन ये खाइए, तो वहाँ पर बैलेंस डाइट मिलेगा बॉडी में, तो आपकी बॉडी अंदर से ही ठीक होगी। दूसरा जो स्टेप है वो एक्सरसाइज। PCOD के पेशेंट में मेन दिक्कत ये रहती है कि उसका जो बेली पार्ट है यानी कि उसका जो पेट है वो बाहर ही निकला रहता है, और दूसरा वेट लॉस कितना भी कर ले उसका वेट लॉस नहीं होगा, तो उसके लिए क्या करें? देखो, यदि PCOD है और यहाँ पर वेट लॉस भी करना चाहते हो, PCOD ठीक करना चाहते हैं,
तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज करनी होगी। कितने सारे मेरे ऐसे पेशेंट हैं जिसको वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज ऐड करने से पीरियड रेगुलर हो जाते हैं, सारे सिम्टम कम हो जाते हैं, और जब तक वो एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक कितनी भी दवाया चला लो नहीं ठीक होता है। तो इस तरह से यदि आप एक्सरसाइज पे फोकस करेंगे तो आधी तकलीफ आपकी वहाँ पर ही दूर हो जाएगी। एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं करें, डेली का आधा घंटा आपको देना है, तो उसके अंदर मेन चीज़ रहती है आपको वॉकिंग करनी है, आधे घंटे की आप वॉकिंग कर लीजिए। दूसरा जो वहाँ पर मेन योगासन रहता है वो है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई करने से आपकी ओवरऑल हेल्थ भी अच्छी होगी, तो बटरफ्लाई एक्सरसाइज आपको डेली करनी है। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में मेन दो, अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो इस तरह से वॉकिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, अनुलोम विलोम, कपालभाति और बटरफ्लाई, इतनी एक्सरसाइज अपनी आप रूटीन में ऐड कर दीजिए। और तीसरा स्टेप रहता है, यहाँ पर हम आपको कोई मेडिसिन या फिर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर नेचुरल आप सप्लीमेंट्स ऐसे ले सकते हैं जिसके चलते आपकी ये प्रेगनेंसी भी जल्दी से रुक जाएगी, पीसीओडी भी ठीक हो जाएगी, अनवांटेड हेयर, पिंपल, ऐसे सारे सिम्टम भी ठीक हो जाएंगे। तो उसके लिए जो सप्लीमेंट रहते हैं वो कौन से है, और उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्योंकि मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट रहते हैं, ये सप्लीमेंट पीसीओडी ठीक करेगी ये, तो उसमें से सबसे अच्छा कौन है वो आज हम आपको गाइड करने वाले हैं। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे ओज़िवा का हरबैलेंस। ओज़िवा का हरबैलेंस जो रहता है वो पीसीओडी के लिए स्पेशलाइज डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि उसके अंदर 21 ऐसे तत्व है, होलसम फूड है ऐसे, जो वहाँ पर आपके हार्मोन को बैलेंस करेगा, आपकी साइकिल रेगुलर करेगा। इसके अंदर 9 ऐसे हर्ब्स डाले गए हैं जो पीसीओडी को ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से हेल्प करता है, जैसे कि सतावरी, आंवला, अशोका, एलोवेरा और शिलाजीत। तो ये सारे हर्ब्स ऐसे हैं जो वहाँ पर पीसीओडी को बैलेंस करेगा और आपके हार्मोन को ठीक करेगा, अनवांटेड हेयर ठीक करेगा, पिंपल को ठीक करेगा। दूसरे इसके अंदर डाइजेस्टिव एड सारे हैं, जैसे फेनल सीड्स है, पेपेन है, जो पीसीओडी की मेन कंप्लेंट रहती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन होना, गैस ज़्यादा बनना, भूख ना लगा, इनडाइजेशन, और उसी के चलते वहाँ पर वेट लॉस नहीं होता है, तो ये आपको डाइजेशन को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। और यदि आप पीसीओडी के साथ, पीसीओएस के साथ प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं और उसमें दिक्कत आ रही है, तो ये जो इसके अंदर दो ऐसी चीज़ है जैसे कि B8 और क्रोमियम, ये दोनों आपकी अंडे की क्वालिटी ठीक करेगा, और जिससे प्रेगनेंसी भी जल्दी से रुक जाएगी, और एक बार रुकी प्रेगनेंसी के आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से होता रहेगा। तो ओज़िवा का ये हरबैलेंस ना सिर्फ आपके पीरियड को रेगुलर करेगा बल्कि आपकी प्रेगनेंसी भी जल्दी से रुका देगा। वहाँ पर आपके और सिम्टम जैसे कि वेट लॉस नहीं होना, आपके हेयरफॉल बहुत ज़्यादा होना, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन होना या पिंपल होना, ये सारी चीज़ें ठीक करेगा, अनवांटेड हेयर को ठीक करेगा, और वहाँ पर जो हार्मोनल इम्बेलेंस के ओवरऑल जो सिम्टम रहते हैं वो सारे सिम्टम को ठीक करके आपके बॉडी को हेल्थी करने में हेल्प करेगा। अब मेन सवाल, ये हरबैलेंस को लेना कैसे है? तो देखो, यहाँ पर एक ग्लास पानी लीजिए, उसके अंदर 2 चम्मच आप ये पाउडर के डाल दीजिए, अच्छे से मिक्स कर लीजिए। सुबह में 10 बजे या फिर शाम के 4 बजे के आसपास आप उसको ले सकते हैं। अच्छा पानी पूरी का पानी होता है ना, उस तरह का टेस्ट रहता है, तो टेस्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, और आप इसको कंटिन्यूस 3 महीने तक ले सकते हैं। यदि प्रेगनेंसी रुक जाए तो इसको बंद कर देना, इसको फिर कंटिन्यू आगे नहीं करना है। और फिर यदि वहाँ पर पीरियड रेगुलर हो जाता है, सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मल आ जाती है, तो 3 महीने के बाद आप इसको बंद कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ डाइट और एक्सरसाइज के साथ कंटिन्यू कीजिए, रिकरेंस रेट भी पीसीओडी का कम होगा। और आपको ये ओज़िवा का हरबैलेंस मंगवाना है तो आप कहाँ से मंगवा सकते हैं, उसकी लिंक हम नीचे रख देंगे अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाके आप परचेज लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, आप उसको ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। और इसमें भी सिर्फ कुछ कन्फ्यूज़न है आपको तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी Q&A सेशंस होते रहते हैं, वहाँ पर भी जल्दी से आंसर मिल जाएगा। और यदि आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में कोई दिक्कत आ रही है, आपके रिपोर्ट में दिक्कत है या फिर हस्बैंड के रिपोर्ट में दिक्कत है, तो होम्योपैथिक मेडिसिन की आप हेल्प ले सकते हैं। उसके लिए आप हमारी टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट बुक कराने की सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर इतना ही कहना है व्हाट्सएप पर, मुझे अपॉइंटमेंट चाहिए, आगे मेरी टीम आपको गाइड कर देगी। और फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा है तो बहुत ज़्यादा लोगों को शेयर करना नहीं भूलना है, और एक लाइक भी कर दीजिएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही, फिर जल्दी से मिलेंगे, तब तक के लिए Stay healthy, stay happy, bye.